क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? मिस्टर इंडिया के प्यारे लाल और किशोर दा साथ काम करने के लिए कैसे माने? 34 साल पर क्या किस्सा शेयर किया मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर ने? क्या होगी मिस्टर इंडिया 2 की कहानी? हवा हवाई गाना तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन लॉकडाउन ने पूरे सिनेमा को बदल कर रख दिया। उससे पहले तक हर हफ्ते कम से कम एक फिल्म तो सिनेमा घर में दस्तक देती ही थी, वहीं कई बार फिल्मों की रिलीज की संख्या एक से अधिक भी हो जाती थी। रिलीज हुई फिल्म में कोई हिट होती तो कोई फ्लॉप, वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बाद तक याद रखी जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है मिस्टर इंडिया। 25 मई 1987 को अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए अब 35 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस फिल्म से जुड़े खास किस्सों को अभिनेता अनिल कपूर ने याद किया है। अनिल कपूर बॉलीवुड पर बीते कई सालों से राज कर रहे हैं। अनिल कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट और यादगार फिल्में दी हैं। अनिल किसी भी रोल में खुद को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं। वो अक्सर अपनी उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अनिल ने तस्वीर और वीडियोस अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। फिल्म की 34th एनिवर्सरी पर अनिल ने लिखा था कि मिस्टर इंडिया के 34 साल। मिस्टर इंडिया मेरे लिए बहुत जरूरी फिल्म थी। मुझे याद है जब 34 साल पहले हमने इस सफर की शुरुआत की थी और मैं हर चीज के लिए जुनूनी था। जब मैंने जिंदगी की यही रीत है गाने की धुन सुनी थी तो मैं सिर्फ इसमें किशोर दा की आवाज इमेजिन कर रहा था। तब किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साथ काम करना नहीं चाहते थे। तब किशोर दा से संपर्क में आने में भी महीने लग गए। आगे अनिल कपूर ने लिखा, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं किशोर कुमार के घर गया और दोनों की बात करवाई। इसका परिणाम है ये शानदार मेलोडी जो आज के मुकाबले समय भी याद की जा सकती है। एक ऐसा शानदार गाना हमें मिला। मिस्टर इंडिया को रिलीज हुए पूरे 33 साल हो गए हैं और ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। एक दूसरे के प्रति दयालु रहें, सही काम करें। जीवन कठिन हो सकता है लेकिन अंत में अच्छा रहेगा। आगे उन्होंने इस गाने की चार लाइन लिखी। बात करें फिल्म मिस्टर इंडिया की तो इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी। फिल्म में अमरेश पुरी नेगेटिव किरदार में थे। फिल्म को दर्शकों से बहुत प्यार मिला। फिल्म का निर्देशन शेखर कपूर ने किया था। इस फिल्म के गाने अभी तक लोगों की जुबा पर चढ़े हुए हैं। इस फिल्म को ही याद करते हुए अब इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। दुख की बात यह है कि फिल्म में काम करने वाले दो होनहार एक्टर हम खो चुके हैं, जिसमें श्रीदेवी और अमरेश पुरी शामिल है। लेकिन क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही चलते जाना है तो ये फिल्म का काम भी चलता जाएगा, किन्हीं दूसरे स्टार और दूसरे एक्टर्स के साथ, एक नए विलन के साथ। इसकी कहानी को एक नए सिरे से बनाया और लिखा जाएगा। तो अगर आप इस कहानी को और करीब से जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।